गुड मॉर्निंग भगवान जी। बस गुड मॉर्निंग लड्डू गोपाल। उठो मामू, गुड मॉर्निंग मामू, गुड मॉर्निंग मामू, गुड मॉर्निंग। उठो छोटा, गुड मॉर्निंग नहीं करना, गुड मॉर्निंग। अच्छा छोड़ जा, थोड़ी देर मम्मा अपनी कॉफी बना के लाती है, छोड़ जा। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। 2 दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे? 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आए थे क्योंकि ऑफिस का बहुत 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 ज़्यादा काम था एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जा रही थी। और अगर मैं व्लॉग्स बनाती, बना भी लेती तो व्लॉग्स को एडिट करना पड़ता, फिर उसके लिए बाकी और टाइम निकालना पड़ता। सो इसीलिए व्लॉग नहीं आया। आई ट्राई कि मैं रोज़ व्लॉग डालूँ बट हो नहीं पाता है, कई बार ऑफिस के काम की वजह से, घर के काम की वजह से। सो अभी अपना दिन स्टार्ट करते हैं, फटाफट अपनी कॉफ़ी पीते हैं, नहा के आते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं एंड उसके बाद हम जाते हैं अपने जिम। क्या बोल, तो ठीक है ना? सोचिए अभी टाइम हो रहा है 4:37। क्या 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 एंड हमारा पाठ पूजा वगैरह हो गया है। आ रही मम्मा जिम से, ठीक है? ओके। ओह ओह, नहीं नहीं आ रहे, वो चोच नहीं आ रहा अभी तक। चलो आ रही मम्मा। हाँ बाय। One eternity later. So, जी just reached home. बहुत ही गंदा कार्डियो करा और मैंने गलती से इसको बोल दिया कि घूम ही जाना है क्या, और अब ये शुरू हो गई है, घूम ही लेके जाओ मुझे, घूम ही जाना है। पहले इसको घूम ही करा देती हूँ एक राउंड इससे पहले कि ललिता दीदी आ जाए, ताकि फिर मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा, फिर मुझे पूरा दिन आलस आ जाता है एंड फिर मेरी बेटी का घूमना रह जाता है, फिर शाम को मेरा वही जिम का रूटीन हो जाता है। घूम ही जाना है, घूम ही चले, चलो 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 चलो, घूमी चलो, घूमी चलो, घूमी चलो, घूमी 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 घूमी। कहाँ घूमी जाओगी, कितनी दूर घूमी जाना है? बहुत दूर घूमी जाना है, ये पास में ही जाओगी, बस जाना है, पास दूर नहीं पता मम्मा, बस जाना है, घूमी जाना है, चले घूमी चले, चलो चल मेरा बेटा। मैंने इसको बोला पैदल घूमी कर ले, नहीं गाड़ी में घूमना है। क्यों गाड़ी में घूमना है, रोड पे नहीं चला जाता तुझसे? पाई पाई घूमी नहीं होती है, चल अंदर भी आ रही है, घूमी भी करना है। घर पहुंच के मिल लियो। यार देख रहे हो इसका स्कूबी से एक बार। अरे घुमा दी उसी को, घुमा दी। ललिता प्रेम देखो इसका, कूदी है गाड़ी से कि मेरे को कूदा दे, बस कूदा दे। बंदर कहीं की, मेरी छोटी नौटंकी, मेरी बड़ी नौटंकी, छोटी नौटंकी, बड़ी नौटंकी। ओह 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 ओह, मम्मा लेके गई थी, मम्मा की कोई इज्जत नहीं है, हैं? आते रहो। सो जी हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्किंग आवर्स, और स्कूबी मैडम फिर से जाके सो गई हैं, खा पी के आराम करके रेस्ट करके। एंड एक गुड न्यूज़ है, आज मेडिसिन का लास्ट डोज है, तो आई थिंक कल से वर्कआउट और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा हेल्प करेगा जल्दी हेल्दी होने में और हैप्पी होने में। सो आई थिंक जो भी मतलब लाइक हार्मोन्स का डिसऑर्डर था एंड ऑल, कल जाके या सैटरडे जाके एक बार रीचेक करा लेंगे डॉक्टर से, बट अभी बहुत ज़्यादा बेटर है मेरी तबीयत, और जो भी इशू आ रहे थे हार्मोनल डिसऑर्डर के या जो भी इशू आ रहे थे काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं। आई होप सो, टचवुड,
अभी हेल्थ ठीक रहे एंड जल्दी 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 फटाफट फटाफट अपनी हेल्थ को रिकवर करूं एंड हेल्दी हैप्पी लाइफ फिर से रीस्टार्ट करूं, क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, आपके हार्मोन्स जिस इम्बैलेंस होते तो मूड बहुत स्विंग होते हैं आपके, ये करना है वो करना है वो नहीं करना, छोटी बात पे सैड हो जाना, ये हो जाना वो हो जाना, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। आई होप जो भी फीमेल्स मेरा व्लॉग्स देख रही होंगी वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रही होंगी कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं या कुछ चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। सो नाउ आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मेडिसिंस बंद हो गई, क्योंकि मेडिसिंस इज द मोस्ट मेजर रीजन जो मेरा वेट गेन करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाने की शौकीन नहीं हूँ। मैं अपना एक हेल्दी रूटीन और डाइट बहुत टाइम से, आई थिंक ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स से एक हेल्दी डाइट प्लान और अपना हेल्दी डाइट लेती हूँ। रात की मील्स में अवॉइड करती हूँ आलतू फालतू कुछ भी खाना, जो भी खाना होता है दिन में खा लेती हूँ अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो। वैसे जो मेरी फेवरेट डिश है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी एंड ये मारवाड़ी खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई एम हैप्पी कि मुझे वो बनाना नहीं आता है, क्योंकि अगर मुझे वो बनाना होता होता ना तो शायद मैं समझ रहे हो ना आप। एंड अभी हम हेल्दी खाना खाना शुरू करेंगे एंड बेस्ट पार्ट मैं खुद कुक करती हूँ, तो मैं अपना पोर्शन और अपनी चीज़ें खुद से करती हूँ। जो मेरी वेइंग मशीन ख़राब हुई थी, रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने व्लॉग में बोला था कि ललिता दीदी ने वो वॉश कर दी, तो मैंने वेइंग मशीन भी ऑर्डर कर दी है अपनी, सो दैट मैं अपना खाना मेजर कर सकूँ। एंड आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाली हूँ अभी दिखाती हूँ, बना के तो ले आऊँ पहले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो जी अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 12:30 एंड सीरियसली यार, मतलब लाइक घर पे बैठे बैठे ना बहुत बोर हो जाते हो, काम में मेरा तो फोकस होता ही नहीं है सीरियसली। आप लोगों से वर्क फ्रॉम होम हो जाता है क्या, प्लीज़ कमेंट। आप लोग लेजी स्लीपी नहीं फील करते हो, या तो मेरे को हो सकता है मैं जिम में इतना थक जाती हूँ कि बैठी रहती हूँ तो फिर मुझे लगता है सो जाओ यार। अभी बाहर के कंस्ट्रक्शन देखते हैं एक बार कि क्या स्टेटस है बाहर की कंस्ट्रक्शन का। और ये देखो इन लोगों ने तो ग्राउंड फ्लोर रेडी कर दिया है ऑलमोस्ट। बहुत जल्दी भी काम कर रहे हैं बट सीरियसली यार बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं बेचारे, रियली फील वेरी सैड। तो मैंने नीचे भैया को बोल दिया है कि बर्फ़ पानी वगैरह ठंडा आप लोगों को चाहिए होगा तो प्लीज़ दिन में सिर्फ एक बार बेल बजा के ले लेना, बार बार बेल मत बजाना, क्योंकि मेरे घर में जो मेरी छप्पन टिकली है ना, कहाँ गई जो मेरी छोटी सी छप्पन टिकली है ना, ये फिर बहुत जोर जोर से भौंकने लग जाती है ये छप्पन टिकली, इसको फिर से घूमी जाना है। सुबह घूम के आई है, फिर से घूमी के लिए वो घूमी, चलो घूमी, और कोई काम ही नहीं है जिंदगी में, घूमो आओ खाओ, घूमो आओ खाओ, है ना बेटा। लाइफ में इससे अलावा भी बहुत कुछ अचीव करने के लिए है घूमने के अलावा, समझी, चला जा काम करें ऑफिस का। नहीं ये किसका कार है? ये ही रहेगी अभी थोड़ा देर अपने पास। हाँ? ये रहेगी अभी अपने पास, चाबी दे। अरे वाह, घूमी करा के लाओ एक अभी। ये वेन्यू चला रही हो? चलाई थी बट अभी कर दूँ, वो गई हुई थी ना अभिषेक भैया के पास। अच्छा। तो एक दिन निकाली थी बस, कर लो। हाँ बेटा आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, गाड़ी पार्क करके आ राजा, फॉर्चुनर पीछे करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ तो ये भी सही लग रही है। तो मशीन ऑन है तो कितना तेज आवाज आ रहा है इसका बाहर तक। बेसिकली आप समझ नहीं आया, वैन में सबसे अंदर हो रही है फिर फॉर्चुनर, तो ये कार अभी पूछती है विकास के पास किसकी है, वैसे तो शायद सौरभ भैया की होगी, उन्हीं के साथ गए थे, सो लेट्स सी उनकी है तो सौरभ भैया गुड चॉइस, नाइस कार। ये इससे कूड़ा सारा हो रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, बुड्ढी माई, बचपन में तो बुड्ढी माई बोलते थे, बहुत उड़ रही है। सो अभी विकास बोल रहा है ये गाड़ी भी घर पर ही रहेगी, रात को देखते हैं इस पर भी लॉन्ग ड्राइव करके आएंगे, आ जाएगी तीनों गाड़ियाँ पार्किंग में। वैसे तो वो वाली BMW आ जाती है तो ये भी आ जाएगी, मैंने तो गाड़ी का नाम भी नहीं ध्यान से देखा कौन सी गाड़ी है। और मेरी बेटी को देखो ऊपर से, क्या हुआ छोटा, पापा नहीं आ रहे? हाँ पापा के पास, डेस्परेटली वेटिंग, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया ना।
से कर रही है ग्रुम, 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 ग्रुम। बस चल जल्दी आ। आ क्या कर रही थी? आ चार पांच दिन क्या की? तो खूब सोई, गर्मी के मजे ले रही हूँ, आप भी लो। मैं तैयार व्यार होके बैठी थी, विकास को खाना वाना खिला के विकास अपनी ग्रूमिंग करा रहा है, और ये जो लड़की है ना, ये अब आई है काम करने। तो बताओ बंदा कैसे जिम जाएगा? अगर डेडिकेशन दिखाना भी है ना, तो इन जैसे लोगों की डेडिकेशन की ऐसी तैसी हो जाती है। और ये देखो इसका पूरा योगदान है उसको पैम्पर करने में, ये लड़की का। क्या हो क्या, मम्मा डांट रही है उसको, तू उसको पैम्पर कर ले। वो भी मम्मा डांट रही है उसको, पैम्पर करना है। और इंजॉय जरूर है, बहुत प्यारा इंडिया का फ्लैग भी कितना प्यारा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया, अभी हवा भी नहीं, कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड सुबह ही भगवान से प्रे कर रही थी कि बच्चों के लिए कुछ कर दो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। भगवान जी ने वेदर अच्छा कर दिया, थैंक यू भगवान जी। दिल से सुनते हैं मेरी। अच्छा टंकू, हरी मिर्च खाने गई हो क्या वहाँ पे? चलो अंदर, खाना खा ली ना। जी विकास की तो ग्रूमिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, हम चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। देखते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 8:30। मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपनी हेल्थ का बहुत सारा ध्यान रखिए। एंड हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि गाड़ी कैसी है। इस लड़की को देखो, पूरा घर छोड़ के इसको ही यहाँ पर सोना है। पूरा घर, घर में तीन बेडरूम में से दो बेडरूम में पंखा चल रहा है, फिर भी इस लड़की को यहाँ पे सोना है। वाई वाई, आजा चला आओ।